वेलकम बैक दोस्तों, मैं नाम रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V के बारे में। इसकी प्राइस फाइनली हाइक हो चुकी है और ये मैं वीडियो दो महीने के अंदर दूसरा बना रहा हूं प्राइस हाइक के ऊपर। हर गाड़ी में आपको अब प्राइस हाइक देखने को मिलेगा, लेकिन वो प्राइस हाइक कितना है और क्या ये जस्टिफाइड है, सारी चीज बताऊंगा इस वीडियो में। आखिरी तक वीडियो देखना बिल्कुल भी मत मिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर में, उसको क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट कर देना एंड बेल आइकन उसको भी क्लिक करना, नहीं तो कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V एक महीने पहले इसका प्राइस बड़ा था, तब भी ये अंडर 1 लाख थी, लेकिन अब ये बाइक का जो प्राइस है ना, जो टॉप वेरिएंट है, जो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है, आप डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट आप बोलोगे यार ये कैसा वेरिएंट है, फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइस अंडर 1 लाख नहीं है, आप अबव 1 लाख हो चुका है। अंडर 1 लाख वाली बाइक अब नहीं रही, अब इसका प्राइस आपको 3,500 रुपये आपको ज्यादा देना पड़ेगा, चाहे वो आप डिस्क ब्रेक लो या ड्रम ब्रेक, इतना प्राइस आपको ज्यादा देना पड़ेगा फॉर द एक्चुअल प्राइस। तो ये अब इसका एक्चुअल प्राइस बात करूं तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइस अब आपको देना पड़ेगा 97,000 रुपीज आपका एक्सशोरूम प्राइस पड़ेगा। और अगर आप लेते हैं डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट जिसमें फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक है, तो इसका प्राइस आपको देना पड़ेगा, अब आपको देना पड़ेगा 1 लाख रुपए। और इसमें आरटीओ इंश्योरेंस और मिला लीजिए तो वो आपका ऑन रोड प्राइस हो जाएगा इस बाइक का। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के डिजाइन की, तो डिजाइन वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन इसका जो डिजाइन है थोड़ा ओल्ड फैशन हो चुका है, लेकिन प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो जस्टिफाइड गाड़ी है। जब से BS6 आई है तब से इसका पावर भी बढ़ गया है, जो कम थी उससे बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलता है, विच इज अगेन अ क्वाइट गुड थिंग। फीचर्स की बात करूं तो फीचर लोडेड गाड़ी है, LED आपको DRS देखने मिलता है, LED टेल लाइट देखने को मिलता है, पार्ट एंड पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है, 0-60 स्पीड रिकॉर्डर देखने को मिलता है, एंड इस गाड़ी में आपको देखने वाला लैप टाइमर का भी सिस्टम, अट्रैक्टिव इसका ग्राफिक्स देखने को मिलता है, एंड इसका अट्रैक्टिव अगेन इसका जो इंजन काउल है वो है बहुत शार्प एजेस के साथ आता है। प्लस अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी में सेगमेंट फर्स्ट आपको ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक वाला सिस्टम देखने को मिलता है, एंड इस गाड़ी में एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है सिंगल चैनल ABS, और ये सुपर मोटो ABS है जिसमें आपका पीछे वाला व्हील को लॉक नहीं करता है, विच इज अगेन अ क्वाइट गुड थिंग। अब ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक क्या होता है, जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं ट्रैफिक में, तो अगर आपका गियर हाई है और स्पीड लो है तो नॉकिंग साउंड नहीं होता है, विच इज अगेन अ क्वाइट गुड थिंग। इंजन से होता क्या है, जो आपका टॉर्क है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है, इवन लो इवन हाई RPM में, तो इससे क्या होता है गाड़ी की नॉकिंग नहीं होती है। बात करें इंजन की, तो इंजन काफी सही लगा, BS6 इंजन है, 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन है। यस, इसमें रेस ट्यून वाला फ्यूल इंजेक्शन लगा जो कि पावर आउटपुट निकालता है 15.53 BHP का पावर आउटपुट, और जो टॉर्क इस गाड़ी में देखने को मिलता है दैट इज 13.9 Nm का टॉर्क, और इस गाड़ी को अच्छे से चलाने के लिए यूज होता है 5-स्पीड ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन, तो इस गाड़ी को आपको चलाने में ज्यादा मजा आएगा। ये काफी पेपी इंजन है, और पेपी इंजन वैसे भी आप लोगों को पता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत मजेदार लगता है इस गाड़ी को चलाने में। बात करें इसके अदर फीचर्स की, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड उस गाड़ी से, लेकिन ठीक है, ये गाड़ी जैसी आई है वैसी ही अभी भी चल रही है। तो इस गाड़ी की जो साइकिल पार्ट्स की बात करें, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक पीछे मिलता है, डुअल सस्पेंशन सेटअप विद नाइट्रॉक्स चार्ज, यहाँ पर मोनोशॉक होता तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन मोनोशॉक आ जाता तो शायद लोग अपाचे आरटीआर 164 भी नहीं लेते, तो उस हिसाब से ये ज्यादा बेटर होती कम प्राइस में 160 सीसी की बाइक, तो कौन छोड़ता 2 वॉल 4 वॉल्व, तो इतना कोई माइंड पे नहीं लगाता कि भैया है क्या। तो दैट्स वाई गाड़ी को यू नो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा चीजें करनी पड़ी गाड़ियों को। बात करें इसके डिस्क ब्रेक की, तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने मिलता, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखने मिलता, रोटो पेडल डिस्क है, सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। टायर की बात करो तो 17 इंच के अलॉयज है फ्रंट एंड रियर में, 100 सेक्शन का फ्रंट टायर है और 130 सेक्शन का रियर टायर देखने को मिलता है, विच इज क्वाइट एडिक्वेट गाड़ी अगर सिटी में चलाते हैं तो। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो, 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता, विच इज अगेन और बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है, एंड जो सीट हाइट है वो 790 mm है। शॉर्ट राइडर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, इस गाड़ी को चलाने में उतना ही मजा आता है। स्प्लिट हैंडल वाला तो स्पोर्टीनेस तो भर भर के आपको लगेगा, और जो फुट रेस्ट है वो आपको रियर सेट देखने को मिलता है। और अगर मैं गाड़ी की वेट की बात करूं, तो इस गाड़ी का वेट आपको देखने को मिलता है 139 और 140 kg। आप बोलोगे दो अलग अलग कैसे हो सकते हैं, डिस्क ब्रेक वाले का वेट है और एक आपको देखने को मिलता है ड्रम ब्रेक वाले वेरियंट का, तो इसलिए 1 किलो का डिफरेंस है। और अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो इस गाड़ी में आपको 6 कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, तो आप जाके कोई भी एक्सप्लोर करो और कोई भी ले लो, वो तो आपके ऊपर है, कलर तो मैं बताऊंगा नहीं। अब मैं बात करूं ओवर कंक्लूजन, क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है। सो फ्रेंड्स, जस्टिफाइड तो है, क्योंकि अगर आप कोई भी गाड़ी लेने जाओगे, आप छोटी गाड़ी 100 cc गाड़ी लेने जाओगे, तो 900 से 1500 रुपये आपको ज्यादा आपको देना पड़ेगा अभी के सिनेरियो में, क्योंकि दूसरी बार प्राइस हाइक हुआ है इंडिया में सारी गाड़ियों का। सो फ्रेंड, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट दिस बाइक, अगर चलो
तो प्लीज लाइक करना, नया तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना। और इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी तो प्लीज इंस्टाग्राम को जो हैंडलर है इसको फॉलो करिए विदिन 24 आवर्स, विदिन 48 आवर्स अगर अपना मैसेज किया तो रिप्लाई दे दूंगा। टिल देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट रिव्यू, कुछ भी सकता है। टिल देन बाय एंड चाओ।